16 जनवरी का दिन देश भर में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में स्थापित हो गया है। पिछले 10 महीनों से जिस कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई अब भी जूझ रहे हैं। उन सभी वॉरियर्स ने आज राहत की सांस ली। कोरोना से निजात पाने के लिए आज देश भर में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। साथ ही पंजीकरण ऐप कोविड भी लॉन्च किया गया, जिसके जरिए लोग पंजीकरण कर इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने सबको जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को वर्चुअल देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के रूप में विकसित देश की पूरी लंबाई और चौड़ाई को कवर करते हुए ड्राइव का लक्ष्य है पहले अपने लाखों हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन करना और इसके पहले चरण के अंत तक अनुमानित 3 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है। इस लॉन्चिंग के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3006 सेशन साइट वर्चुअली जुड़े हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उद्घाटन के दिन प्रत्येक सेशन साइट पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स का उद्घाटन किया गया, जिसके बारे में अधिक जानकारी दी नागपुर के फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने। सुरुवातीस पेशंट आले की वेटिंग एरियामध्ये थांबतील, तिथून आल्याच्यानंतर त्यांचं रजिस्ट्रेशन होईल। रजिस्ट्रेशन झाल्याच्यानंतर दे विल गो टू द वॅक्सिनेटर्स। आमच्या सिस्टर्स, ट्रेन्ड सिस्टर्स आहेत, ते आम्हाला लावणार आहेत वॅक्सिन। त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन वॅक्सिनेशन झालं म्हणून ते रजिस्ट्रेशन काउंटरला जाऊन परत सांगतील, अँड देन दॅट पेशंट किंवा जो पर्सन आहे ते ऑब्झर्वेशन रूमला आम्ही ट्रान्सफर करू। अर्धा ते पाऊण तास अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवू, सगळं काही कम्फर्टेबल असलं तर त्यांना घरी जायला सांगू। सिम्पटम्ससाठी आम्ही ऑब्झर्व करणार आहे। जो वॅक्सिन घेणार आहे त्याच्यासाठी टोटल 1 तासाची इमर्जन्सीसाठी इमर्जन्सी किट रेडी केलेली आहे। मॉनिटर्स आहे, ऑक्सिजन आहे, आय व्ही फ्लुइड्स आणि आय व्हीची तयारी केली आहे, इंजेक्शन ॲड्रेनालिन वगैरे सगळं रेडी ठेवलेलं आहे। असं काहीही होणार नाही, म्हणजे आता 100 पैकी एकाला रिॲक्शन आहे तर मँडेटरी आहे, ते झालं तर बघूया। आपण पॉझिटिव्हनी चालायचं, म्हणजे गो पॉझिटिव्ह, ऑल द थिंग्स विल बी फाईन। घाबरण्याची काहीही गरज नाही आहे, इट इज अ सिम्पल वॅक्सिन। खोकला आला किंवा सिम्पटम्स काही आले तर तात्काळ त्यांनी कळवायला पाहिजे, सो दॅट वी कॅन मूव इन दॅट। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है फॉर जो कि हम बोल रहे थे कि ये कोविड वॉर है, एक युद्ध है, तो इस युद्ध में हमें एक बहुत अच्छा अस्त्र मिला है वैक्सीनेशन के रूप में, और इस बात के लिए मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन्स कहना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ कि ये वैक्सीनेशन चालू हुआ है। इट्स अ बिग स्टेप जिसे हम कोविड का नेक्स्ट वेव प्रिवेंट कर सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। शहर में शनिवार की सुबह से ही 5 केंद्रों पर वैक्सीन लगना शुरू हुआ, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण तैयारी कर दी गई थी। शनिवार को कुल 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, जिसके सबसे प्रथम लाभार्थी बने डॉक्टर दीपांकर भिवगड़े। बीसीएन से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। मैं पहला लाभार्थी आहे, याचा मला खूप आनंद होत आहे, आणि पहिली लस मला मिळणार आहे याचा खूप अभिमान वाटत आहे, आणि हे संदेश लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे की हे लस सर्वांनी असेच घ्यावे आणि या रोगापासून आपला बचाव करावे। इथे सर्व प्रकारची म्हणजे जर इमर्जन्सी काही आली तर त्याकरिता आपल्याकडे EFI किट इमर्जन्सी ॲम्ब्युलन्समध्ये उपलब्ध राहणार आहे। इथे EFI किटद्वारे त्यांना जर काही प्रॉब्लेम आहे इथे पण सॉल्व करण्यात येणार आहे, जर जास्त झालं तर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये रेफर करण्यात येणार आहे। हे सर्व सोयी उपलब्ध आहेत आणि याकरिता लस आपल्याकडे आलेली आहे। सर्व कर्मचारी ट्रेनिंग घेतलेले आहेत, सर्व सुसज्ज आहेत आणि त्यांच्यामार्फत आपण ही लस प्रत्येक लाभार्थींना लावणार आहोत। मला अजिबात काही शंका आणि भीती काहीच नाही आहे आणि ही लस मला मिळणार आहे याचा मला खूप आनंद होतो। वैक्सीनेशन मेडिकल, डागा, एम्स और मनपा के 5 पावली केंद्र में पूरी तैयारी की गई थी। इन केंद्रों पर वैक्सीन लगाने से पूर्व कर्मचारियों के नामों की जांच की गई। SMS भेजे गए व्यक्तियों की पुख्ता जांच के होने के बाद उस व्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष में रखा गया। वैक्सीनेशन के बाद संबंधित की जानकारी कोविड पोर्टल पर दर्ज कराई गई। इन सारी चीजों का निरीक्षण करते हुए पालक मंत्री नितिन राउत ने संबंधित विषय की अधिक जानकारी दी। हमारे लिए अत्यंत संकट का और कोरोना से लड़ने वाला वर्ष साबित हुआ, जिसमें
राज्य सरकार रहे, केंद्र सरकार रहे, सामान्य जनता रहे, ये सब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए लड़ते आए। आज वह दिन आया है हमारे देश के अंदर कि आज पहली बार हमारे लोगों को कोरोना से मुक्त करने के लिए हम पहला वैक्सीन डोज यहाँ पर देने जा रहे हैं। उसका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नागपुर ज़िले को कुल मिलाकर 42,000 डोजेस प्राप्त हुए हैं। 22,000 डोजेस सिटी में, शहर में हमें महानगर पालिका क्षेत्र में प्राप्त हुए। 17,600 डोजेस एक ग्रामीण इलाके के लिए है। टोटल हर हफ्ते में 4 दिन हम ये डोजेस देने वाले हैं। एक दिन में 100 लोगों को डोजेस देने की हमारी योजना है और 28 दिन बाद हम सेकंड डोज इसका देंगे। इस प्रकार की व्यूहरचना यहाँ पर की गई है। किसी भी प्रकार से वैक्सीन की कमी हमारे यहाँ बिल्कुल महसूस नहीं होगी। परिपूर्ण वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज से लेकर अब तक भले ही तरह तरह की संभावनाएं उजागर होती रही, लेकिन शनिवार को वैक्सीन केंद्रों के उद्घाटन के साथ ही आरोग्य कर्मचारियों समेत सभी कोरोना वॉरियर्स ने एक राहत की सांस ली। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।